क्या आपको पता है आदि पुरुष से पहले रामायण में 48 फिल्में बनी थी, जिसमें से 106 साल में दूसरी बार मूंछों वाले राम गांधी जी की फेवरेट राम राज्य ने कमाए थे 60 लाख। प्रभास, कृति सैनन और सैफ अली खान स्टार आदि पुरुष 16 जून को रिलीज हो रही है। इसकी कहानी रामायण पर आधारित है, जिसमें प्रभास भगवान राम, कृति सैनन सीता और सैफ अली खान रावण बने। मौजूदा दौर में पौराणिक विषयों पर फिल्म बनाने वाले भले ही कम हो गए हों, लेकिन रामायण पर फिल्म बनाने का फॉर्मूला हमेशा सुपरहिट साबित हुआ है। यही वजह है कि 111 साल के बाद हिंदी सिनेमा के इतिहास में रामायण पर अब तक 48 फिल्में और 18 टीवी शो बन चुके हैं और ज्यादातर फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की है। 1917 में यानी 100 साल पहले आई लंका दहन ने 10 दिन में ही 35,000 रुपए की कमाई कर ली थी। वैसे दिलचस्प बात यह है कि भले ही रामायण पर इतनी फिल्में और टीवी शो बन चुके हैं, लेकिन आदि पुरुष ने पहले केवल एक फिल्म में राम को मूंछों में दिखाया गया है। ये फिल्म 23 साल पहले यानी 2000 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम देवल्लू था। ये तेलुगु फिल्म थी जिसमें राम की भूमिका निभा रहे थे श्रीकांत, जिसको मूंछों में दिखाया गया था। इसी के साथ देखते रहिए बॉलीवुड समाचार।